लखीसराय जिले के टाउन थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव के बहियार में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। खबर मिलते ही टाउन थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसकी शिनाख्त किशनपुर गांव के सोलान चक निवासी तारकेश्वर मंडल के रूप में हुई। परिजनों के मुताबिक वो दो दिन से अपने गांव से लापता था। युवक का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने लखीसराय सलोना चक मुख्य मार्ग को किया जाम। गोतिया परिवार के ही सदस्य पर हत्या का लगाया आरोप, गला घोट कर हत्या और तेजाब डालकर जलाने की कोशिश। घर वालों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान करने के बाद आक्रोशित होकर लखीसराय सलोना चक मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। दोषी और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई। काफी मान मनोबल के बाद सड़क जाम हटाया गया। मृतक के परिजनों ने अपने पड़ोसी पर हत्या करने की आशंका जाहिर करते हुए टाउन थाना में लिखित आवेदन दिया है। पुलिस पीड़ित परिजनों के आवेदन पर मामले की जांच में जुट गई है। असर ही हुआ, 6 बजे सुबह में निकला, मछली काटने के लिए गया था पट्टी खेत में, ये गाड़ी भर के गया कल पर पानी पीने के लिए। हमारा पुत्र मेरा बेटा 300 आदमी रहा था, जलेबर चला गया मछली गिराने के लिए, वो अपना ही 100 लेबर था तो घर खाने के लिए गया। हमारा बेटा पानी पीने के लिए हुआ सब पकड़ के भीतर कर दिया। मृतक बेटे कन्हैया के मुताबिक घर के पास ही गोतिया से मामूली कपड़ा सुखाने को लेकर और कई अन्य बात को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। उन्होंने कई बार उसके दादा और पिताजी की हत्या करने की धमकी भी दी थी। वही मेरा पड़ोसी है। क्यों, कारण क्या रहा है? कारण यही रहा कि हम लोग आगे सीधे मेरा दुगारी पड़ता रहा, वहाँ से निकलते रहे तो पानी फेंक देता रहा, ऊपर से कपड़ा पसार देता रहा, कभी मुझ देता रहा, कर देता रहा, धमकी बहुत बार देता रहा है, बेसी बोलेगा तो दो को मार देंगे। मेरा पास दो ये को नजर है, तुम लोग का दो ये आदमी मेरा नजर है, एक मेरा छोटा बाबा का नजर था, एक मेरा बाप का नजर था, बोला दो में वो उठा लेंगे, आज उठा लिया। पुलिस के मुताबिक युवक की गला दबाकर हत्या की गई है और उसे एसिड से जला दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कल किसानपुर से मिट्टी भरने के लिए मृतक तालकेश्वर मंडल गए थे, वहां से अचानक वो गायब हो गए, आज इसका लाश मिला है। प्रथम दृष्टया लगता है कि गला दबाकर हत्या कर दी गई है, उसके बाद सब को छुपाने के लिए झाड़ी में फेंक दिया गया और उस पर से लैट्रिन साफ करने वाला एसिड डाल दिया गया। रंजिश की राख में एक परिवार की खुशियां खाक हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपों की जांच कर रही है, देखना होगा कब तक आरोपी गिरफ्त में होंगे। गुना के लिए लखीसराय से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।